हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे परचेज प्रेफरेंस टू एमएससीज के बारे में, ये क्या होती है। सबसे पहले तो ये जो है ये इम्पोर्टेंस, ये जो हमारा है जो टॉपिक है वो हमारा जो सीरीज है पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसीज है, कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में क्या पॉलिसीज रहती है उनके रिलेटेड है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट के, जो कंसेप्ट रहते हैं भारत सरकार के, उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी। और अगर आपको इसका आइडिया होगा तभी जो आप एमएससी बिडर हैं, तब आप बिडर हैं और आप किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो आपको इसका अगर इसके अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको इजीली एमएससी बिडर होने के बाद अवार्ड मिल सकता है। और आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको अवार्ड हो सकता है कि आपको अवार्ड नहीं मिले, जस्ट बिकॉज आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। एज वेल एज जो बायर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए भी ये कंसेप्ट, ये पॉलिसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को वॉयलेट कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के जो डिफरेंट रूल्स आए हुए हैं उनको वॉयलेट कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें सिंपल टर्म्स में उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स है इस टाइम के, एज ऑन द डेट। हो सकता है कि बाद में मॉडिफाई हो जाए पर कंसेप्ट वही रहेगा। तो सबसे पहले तो हम जो इसमें देख रहे हैं कि जो एमएससी बिडर क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है कि मतलब अभी हमने देखा कि एक तो होता है, इसमें क्या होता है कि एमएसएमई जो बिडर होते हैं वो क्या होता है, एमएससी बिडर क्या होता है, एसएमई बिडर क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोगों का कोई भी कंट्री का फोकस एमएससी बिडर पे क्यों है या एमएसएमई बिडर्स पे क्यों है। एमएसएमई बिडर्स पे फोकस क्यों है, क्योंकि एमएससी में आप समझ रहे होंगे ना कि जो छोटे बिडर है, जो कि मतलब बड़े बड़े वो नहीं है, तो एक तो होना चाहिए कि वे बड़े बड़े उन पे ध्यान देना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम लोगों ने आपने देखा होगा कि कोई भी कंट्री है उसमें कई बार क्या होता है कि उसकी जीडीपी तो बढ़ती रहती है, मतलब वो ओवरऑल उसकी जो कंट्री की वेल्थ तो बढ़ रही है, बट वो कुछ सर्टेन उद्योगों में केंद्रित है जहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे उद्योग रखेंगे तो क्या होगा, लोग खुद रोजगार करेंगे, वहाँ पर खुद पैसा कमाएंगे और ये जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए एज ए कंट्री हमें क्या करना चाहिए, एमएससी लीडर को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि सब लोग अपना अपना खुद का कुछ खोले और उनमें काम करें और सबको रोजगार भी मिल जाएगा और दूसरा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि सर्टेन अगर बड़ी बड़ी एक ही बड़ी कंपनी होगी तो उसमें कुछ लोग काम करेंगे, उन्हीं को पैसा मिलेगा और उसे नीचे और कम मिलेगा, पर मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह पाएगा और कम लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो ताकि हमारी जो ग्रोथ तो हो, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, उसके साथ साथ एमएससी बीडर्स जो साथ साथ हमारी जॉब भी जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इसलिए एमएससी बीडर्स को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें क्या है कि जो इन्होंने एमएसएमई की मिनिस्ट्री बना रखी है उसमें, उस मिनिस्ट्री में मतलब तीन टाइप के बिडर होते हैं। एक तो होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और इन तीनों को मिला के एमएसएमई बोला जाता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ई का मतलब है एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और जो एमएसएमई था उसकी डेफिनेशंस क्या है कि टाइम टू टाइम चेंज होती रही है, पर 1 जुलाई 2020 के बाद जब कोविड सिचुएशन आई थी उसके बाद आत्मनिर्भर अभियान के तहत, और उसके बाद उस दौरान एमएसएमई की जो, क्योंकि उस टाइम फोकस ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई जो है को प्रमोट किया जाए, ताकि वो यहाँ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। जैसे कोई चीज़ बन नहीं थी बाहर की तो यहाँ के लोग खुद ही दिमाग लगा के बनाएंगे, खुद ही उनका खुद ही एंटरप्राइज करके बनाएंगे। इसमें से आप वर्ड देखिए, एंटरप्राइजेज है, मतलब जो कि लोग पर्सनल कोई मतलब मीन्स कोई बड़ा उद्योग नहीं है, एंटरप्राइज है। अब दूसरा क्या है कि जो इसका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, पहले क्या होता था कि कोई भी एंटरप्राइज दो टाइप का हो सकता है, या तो वो गुड्स प्रोवाइड करवा रहा हो या वो सर्विसेज रेंडर कर रहा हो।
और गुड्स या तो सामान, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स दे रहा हो, कोई भी सामान, केमिकल वगैरह कुछ भी सप्लाई कर रहा हो, और सर्विसेज हो सकता है कि वो हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा, हाँ, तो दो टाइप के एंटरप्राइज हो सकते थे। पर पहले क्या था कि जो इनका एमएसएमई का जो डिस्ट्रीब्यूशन था 1 जुलाई 2020 से पहले, वो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जो क्लासिफिकेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, क्लासिफिकेशन वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, जो क्लासिफिकेशन था, डिवीजन था इनका, वो बेस्ड ऑन मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था और इस सर्विसेज के लिए अलग। पर क्या हुआ कि मिनिस्ट्री को भी रियलाइज हुआ और मतलब सब जगह ये अंडरस्टैंडिंग आई कि भी हो सकता है ना कि एक ही वेंडर कुछ चीज़ों का मैन्युफैक्चर करे, कुछ चीज़ों की वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए एक जनरलाइज डेफिनेशन बनाई गई और उसको थोड़ा सा पहले से रिलैक्स किया गया है। पर उसमें क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई भी वेंडर को माइक्रो होना है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है मशीन और प्लांट में या इक्विपमेंट में 1 करोड़ से कम का होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का होना चाहिए। तो माइक्रो है तो क्या होना चाहिए इन्वेस्ट। और दूसरा क्राइटेरिया उसका टर्नओवर, मतलब एनुअल जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो मतलब एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि भाई उसका इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। दूसरा जो मतलब जो भी कैपिटल आइटम्स में वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, मेनली जो प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, जो यहाँ वर्डिंग है वो लैंग्वेज को वो उसी के अकॉर्डिंग है, और इसमें मतलब प्लांट मशीनरी वगैरह को इस एक्ट में डिफाइन भी किया हुआ है, हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। पर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कि 1 करोड़ तक की उसने मशीनरी लगा के बनाया और उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का हो, तो उसको माइक्रो बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेज। ऐसे ही स्मॉल एंटरप्राइजेज वो होता है जिसका इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में, इसमें क्या 10 टाइम्स तक आप मतलब 10 करोड़ तक आपको के मतलब जो 1 करोड़ है उसके लिए 10 करोड़ हो, और ऐसे ही जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे आप इससे आगे बढ़ेंगे मीडियम में क्या है कि ये जो अमाउंट है वो 50 करोड़ हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 10 से मल्टीप्लाई करके रखा है और यहाँ पर इन्होंने 5 करोड़, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो लिमिटेशन है 5 गुना बढ़ा दिया। मीडियम जो एंटरप्राइजेज है उसमें क्या होगा कि मतलब जो 10 करोड़ था उसकी जगह 50 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्लांट और मशीनरी में, और जो टर्नओवर है, जो टर्नओवर है वो क्या होना चाहिए 250 करोड़ से कम होना चाहिए। अब ये जो ये डेफिनेशन है इसमें क्या है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज, मीडियम एंटरप्राइजेज, अब उन्होंने क्या करा है कि जो वेबसाइट बनाई उसके बाद आप पहले माइक्रो बनाओ, स्मॉल बनो, मीडियम बनो, फिर आप उसके बाद चैंपियन बनाओ। तो इनकी जो नई वेबसाइट है उसका नाम चैंपियंस से भी स्टार्ट है कि वो चाह रहे हैं कि आप माइक्रो, पहले माइक्रो है फिर स्मॉल है फिर मीडियम है फिर चैंपियंस है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपको अगर एमएसएमई के बारे में सब जानना है तो ये वेबसाइट जो msme.gov.in, msme.gov.in, इस वेबसाइट पे आप रेफर कर सकते हैं, तो उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। तो पर ये जो मिनिस्ट्री का जो फोकस है, मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि भाई जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाए। पर जो ये हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक लिया है परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी, उसमें क्या है कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपको वर्ड्स दिखाई देंगे एमएससी, एमएसएमई, और तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एमएससी बिडर का मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ई का मतलब एंटरप्राइज, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एसएमई का मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि अभी हमने जो टॉपिक लिया है एमएससी बिडर्स, मतलब जो परचेज प्रेफरेंस मिलती है कोई भी प्रोक्योरमेंट में वो केवल एमएससी बिडर को मिलती है, एमएससी मतलब माइक्रो को मिलेगी, स्मॉल को मिलेगी, पर मीडियम को, हाँ मीडियम को और फायदे होते हैं जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है, पर यहाँ जो हम परचेज प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं वो केवल माइक्रो को मिलेगी और स्मॉल बिडर्स को ही मिलेगी। अब इसके लिए जो पहले क्या था कि मतलब जैसे कि आप जो उद्योग आधार वाले थे, डीआईसी सर्टिफिकेट था, ऐसे बहुत सारे जो वो थे कि या एनएसआईसी था, एनएसआईसी सर्टिफिकेट था, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनके थ्रू कोई भी एमएससी अपने आप को रजिस्टर कर सकता था। मतलब कोई भी परचेज प्रेफरेंस है तो किसी भी पर्सन को कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो या स्मॉल, मतलब गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए।
तो पहले उद्योग DIC NSIC था, पर गवर्नमेंट ने क्या है कि एक सिंप्लीफाइड अब एक नया पोर्टल बना दिया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। और उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in वाली वेबसाइट पे आप जाके कोई भी वेंडर जो MSC है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और उसमें अगर वो अपने जो डिटेल देगा पैन कार्ड वगैरह से, तो वो अपने आप टर्नओवर की डिटेल ले लेगा, इन्वेस्टमेंट की डिटेल ले लेगा, ITR से रिलेटेड। तो ये, और ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, इसमें आप इसको मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डिफरेंट सर्कुलर भी रेफर कर सकते हैं। तो अभी मतलब जो है 31 दिसंबर 2000, जो पुराने सर्टिफिकेट थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब भी ये 2020 में, तो उनको 31 दिसंबर 2021 तक अलाउ किया था कि पुराने सर्टिफिकेट से भी आप काम चला सकते हैं। बट अभी 31 दिसंबर 2021 के बाद, आफ्टर दिस, अब केवल क्या लगेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही आपके पास होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन ही आपके पास होना चाहिए अगर आप MSME से रिलेटेड कोई भी एडवांटेज लेना चाहते हैं तो, या कोई भी जो आपको मिला है। अब जो अंडरस्टैंड, अब हम समझते हैं कि जो MSME परचेज प्रेफरेंस है, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते थे, परचेज प्रेफरेंस टू MSC। ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी MSC के लिए 2012 में आया, उसको उसके बाद उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। और इसका ये है कि जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो भी अंडरटेकिंग्स है, जैसे मान लो कि IOCL, HPCL, मतलब ये जो जो एप्लीकेबिलिटी हम बात कर रहे हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री हो, उनकी अंडरटेकिंग हो, उनकी डिपार्टमेंट हो, उसी पे एप्लीकेबल है। स्टेट गवर्नमेंट का अपने अपने, उन्होंने क्या बोल, इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने स्टेट मिनिस्ट्री को बोला है कि भाई आप लोग भी अपनी ऐसी पॉलिसी बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो कुछ कुछ वो पॉलिसी उनके स्टेट्स में है और वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट जो ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका जो मेन वो है कंटेंशन, वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या उनकी जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनका जो प्रोक्योरमेंट है उनमें, और उन्होंने क्या बनाया है कि भाई जो एटलीस्ट आपको क्या करना है, 25% जो प्रोक्योरमेंट है, मतलब वो किससे करना है, टारगेट क्या है कि जो मान लो कि साल में आपने 100 करोड़ का प्रोक्योरमेंट किया, तो 25 करोड़ प्रोक्योरमेंट किससे होना चाहिए, जो MSC से होना चाहिए। एटलीस्ट 25% प्रोक्योरमेंट किससे होना चाहिए, MSC बिडर से होना चाहिए। और ये टारगेट बनाया है कि जो एटलीस्ट SC ST MSC बीडर से होना चाहिए। मतलब जो मान लो 100 करोड़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो इस 25%, मतलब जो 4% है वो किससे होना चाहिए, कि SC ST MSC बीडर से होना चाहिए, और 3% वुमन जो MSC बीडर्स हैं, वुमन ओन्ड जो MSC बीडर्स हैं, उनसे ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें ये बनाया हुआ है कि 25% जो आपको ऑर्डर देना है, कोई भी उसको परचेज प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी, 25% ऑर्डर किसको देना है, MSC बिडर को देना है अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 25% का उनका टारगेट है, इसलिए मतलब ये हो गया कि जो आप रखोगे, अगर MSC बिडर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कम से कम 25% ऑर्डर मिले। उसकी कुछ कंडीशंस है, वो हम देखेंगे कि कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता, पर मतलब 25% ऑर्डर देने का अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलेगा जो अगर MSC पार्टिसिपेट कर रहा है उसको। और उस 25% में से 4% जो है वो SC ST को मिलेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक MSC बीडर, वो हम लोग और उसको आगे समझेंगे, और 3% वुमन MSC बीडर्स को मिलेगा। इसमें एक जो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई जो ये इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कि आप एक MSC बीडर हो, MSC बीडर हैं, फिर मान लो आपको स्मॉल में आता है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से अपने आप स्मॉल बीडर में आ गए। और पर मान लो कि आपने, सपोज करो कि एक केमिकल है, जैसे HCl केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड एसिड, आपको आप लोग क्या कर रहे हो कि इसका मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपके पास फैसिलिटी है, तो आप कोई भी इसका कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टेंडर आएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। पर फॉर एग्जाम्पल आप साथ में क्या सूज, या फॉर एग्जाम्पल एक आप मतलब जो स्टेशनरी है वो आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, पर आप क्या कि और भी काम करोगे, ऐसा नहीं है कि भाई और भी काम करो, स्टेशनरी वगैरह भी आप बेचते हो, तो आप आपने किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस टेंडर में
उस टेंडर में आपको परचेज प्रेफरेंस का फायदा तभी मिलेगा, आप तभी उसको क्लेम कर सकते हो जब आप उसको खुद मैन्युफैक्चरर हो या खुद वो सर्विस प्रोवाइड कराते हो। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडर हो गए तो आपको नहीं मिलेगा, तो खुद जो उनको मिलेगा ट्रेडर को नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो ना कि आप HCl एसिड को तो मैन्युफैक्चर करते हो, मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैं तो मैन्युफैक्चर हूँ, मतलब आप सर्टेन आइटम के मैन्युफैक्चर हो इस वजह से और आपका उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, इसलिए आप एमएससी बिडर तो हो, बट आपको क्या होना चाहिए कि ट्रेडर होना नहीं चाहिए, आपको खुद क्या होना चाहिए उस चीज का पर्टिकुलर का मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है। तो आपको ये समझ में आए ट्रेडर जो है इस पॉलिसी के बाहर है। तो आपको स्टेशनरी आइटम के लिए मान लो आपने टेंडर किया तो उसमें आपको परचेज प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, और इस आइटम में आपको परचेज प्रेफरेंस मिलेगी, बशर्ते आप जो भी कंडीशन होगी टेंडर की वो कंडीशन क्या होती है वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत वो हम समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि SC ST MSC क्या होंगे या वुमन MSC क्या होंगे। जो SC ST MSC है या वुमन MSC है, अगर मान लो कि सोल प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनी है तो जो प्रोप्राइटर हैं वो क्या होने चाहिए, SC ST होने चाहिए, वुमन होने चाहिए। पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर्स हैं उनका जो वो जो SC ST वाले पार्टनर हैं उनका 50% शेयर होना चाहिए एटलीस्ट, या लिमिटेड कंपनी है उसमें मतलब कुल मिला के जो 51% एटलीस्ट 51% जो शेयर है SC ST का होना चाहिए, वुमन का होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे SC ST MSC। या पर जो जो भी प्रोक्योरमेंट एंटिटी है उसको ये चीज वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें उसकी कैटेगरी मेंशन होगी कि वो SC ST है या वुमन MSC है, उसकी जो कैटेगरी है वो उसमें मेंशन रहती है, उसकी सोशल जो कैटेगरी है वो भी उसमें मेंशन रहेगी। तो आप लोग ये चीज यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना। अब अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक समझने के लिए कि इसका बेनिफिट कैसे मिलता है एक्चुअल में, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। SC ST जो ये जो परचेज प्रेफरेंस है उसका बेनिफिट कैसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो भी MSC बीडर है उनको जो L1 रेट है उसकी 15% रेंज में आना है। ये क्या है मतलब उनकी जो रेट है MSC बीडर की L1 + 15% रेट, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेंडर फ्लोट हुआ और उसमें बहुत सारी बीड्स आई और उसमें मान लो कि तीन बीडर्स आए L1 L2 L3। L1 और L2 L3 को समझिए, L1 का मतलब जिसकी लोएस्ट रेट आई, L2 की जो रेट आई वो भी लो मतलब जो उसके बाद जिसकी लो रेट आई L3, ऐसे रैंकिंग हो गई बीडर्स की। जैसे मान लो रेट आई L1 की 100 रुपीज, L2 जो बीडर है उसकी रेट आई 120, मान लो फॉर एग्जाम्पल 105 रुपीज, और L3 जो बीडर है उसकी रेट आई 110 रुपीज रेट, या हम लोग इसको सिंपलिसिटी के लिए इसको 120 रुपीज कर देते हैं। कोई पर्टिकुलर आइटम था उसकी यूनिट उन्होंने इतना रुपए कोट किया है। अब इसमें क्या रूल होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल L1 MSC बीडर, L1 खुद MSC बीडर है, तो हम लोगों को तो क्या है कि 25% ऑर्डर देना है। तो अगर L1 खुद ही MSC बीडर है मतलब जो लोएस्ट बीडर है, तो उसको क्या कर देंगे अपन, जो उसकी ये रेट हो गई और उसको ऑर्डर क्या दे देंगे, 100% ऑर्डर ही उसको मिल जाएगा, मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी मान लो कि 12 मेट्रिक टन ऑर्डर है, उसको 12 मेट्रिक टन का ऑर्डर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अब इसका सिचुएशन वन हो गई, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है कि 25% ऑर्डर मिनिमम जाना चाहिए, तो 25% कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, MSC बिल्डर को वो 25% ऑर्डर मिल रहा है। अब सिचुएशन जो टू है वो ये है, मान लो कि L1 जो बिडर है वो नॉन MSC है, मतलब वो MSC नहीं है, मतलब माइक्रो स्मॉल नहीं है, मीडियम है या कुछ और मीडियम से ऊपर है L2 L3, और L2 बिडर जो है वो MSC बिडर है और L3 बिडर है वो भी मतलब उसको अभी हम लोग फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए नॉन MSC बिडर रख लेते हैं, रेट्स वही रख लेते हैं 100, 105 और 120। अब इस केस में क्या होगा, जो L2 बिडर है और L3 बिडर है ये भी हम MSC कर देते हैं। तो अब इसमें जो कंडीशन है कि भाई जो हमारा L1 नॉन MSC है, तो L2 और जो L3 है वो MSC बिडर है, वो किसके लिए एलिजिबल है, परचेज प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल। पर इसके साथ साथ कंडीशन एक है और है कि जो उन्होंने भी रेट जो जो भी टेंडर में डाली है
वो रेट जो L1 रेट है उसके 15% में आनी चाहिए, तो वो ही उसको परचेज प्राइस में लगी। तो ये एमएससी बिडर तो ये भी है और एमएससी बिडर ये भी है, पर इसकी रेट तो 100+15 मतलब 115 में आ रही है, इसकी रेट नहीं आ रही है, तो 120 नहीं आ रही है, तो इसको परचेज प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी इसको नहीं मिलेगी और परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी इसको मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा, मिलने परचेज प्रेफरेंस मिलने का मतलब इसको बोलेंगे कि आप, क्योंकि हम ऑर्डर तो कम में नहीं करेंगे, 100 रुपीज में ऑर्डर देंगे ना, बार 12 मेट्रिक टन का 100 रुपीज में ही तो ऑर्डर देंगे, 1200 रुपीज में तो ऑर्डर देंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम इस रेट पे मैच करो। उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 मेट्रिक टन ऑर्डर था उसका जो 25% मतलब जो 3 मेट्रिक टन जो ऑर्डर है, मतलब जो यहाँ जो रेट है 100, इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी रेट 100 कर लेंगे, और इसमें 9 मेट्रिक टन इसको ऑर्डर दे देंगे और 2 मेट्रिक टन इसको ऑर्डर दे, वो 3 मेट्रिक टन हम इसको ऑर्डर दे देंगे। क्लियर, आपको ये समझ में आया? तो हमने क्या किया, वो मतलब इसकी जो है कि जिसकी रेट L1 के 15% में आए उसी को मिलेगा। सिचुएशन नंबर थ्री, जो सिचुएशन जो थ्री है वो क्या है कि L1 L2 L3, मान लो कि ये बीडर है, L1 वही नॉन एमएससी है हमारा, L2 भी हमारा MSC है और L3 भी हमारा MSC बिलर है, और उसकी जो रेट है L1 की 100 है, यहाँ 105 है, और फॉर एग्जांपल इसकी रेट है 115। तो ये दोनों बिडर MSC बिडर हैं, ये परचेज प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल है, बट पर परचेज प्रेफरेंस टू MSC जो है यहाँ पर वो क्या है कि दोनों क्या है, L1+15% में आ रहे हैं, तो इसको भी परचेज प्रेफरेंस मिलेगी और इसको भी मिलेगी। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे कि 100-100 मैच करने के लिए बोलेंगे। अगर दोनों 100-100 मैच कर देते हैं तो इसको 9 मेट्रिक टन मिलेगा, और जो 25% मतलब 3 मेट्रिक टन है, 25% जो ऑर्डर है, मतलब वो 12.5% इसको मिलेगा, 12.5% इसको मिलेगा, मतलब 1.5 मेट्रिक टन इसको ऑर्डर मिलेगा और 1.5 मेट्रिक टन इसको मिलेगा। पर सपोज करो कि ये बोल दे कि मैं, ये वाला जो बंदा है ये मना कर दे कि ये नहीं जाएगा, तो फिर तो क्या होगा कि ये 1.5 मेट्रिक टन भी इसी को मिल जाएगा, और इसको इसको क्या मिलेगा, इसको 1.5 मेट्रिक टन ओके हो जाएगा, 3 मेट्रिक टन ऑर्डर मिल जाएगा। और सपोज करो कि ये बोल दे कि मैं तो 105 ही रखूंगा, ये ही मैच करने के लिए बोल दे, तब इसको 3 मेट्रिक टन ऑर्डर मिल जाएगा। ये आप समझ रहे हैं ना कि मतलब जो मैच करेगा, अगर एक मैच करता है तो उसको 3 मेट्रिक, और जो दोनों मैच कर जाएंगे तो 3 मेट्रिक टन, जो भी जितना भी ऑर्डर है वो उसका मतलब जो 3 मेट्रिक टन हमारे लिए एमएससी के लिए रिजर्व है वो 3 मेट्रिक टन उनको मिल जाएगा। आपको समझ में आया? अब इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है कि हम लोगों ने ये अज्यूम किया है जो 9 मेट्रिक टन क्वांटिटी है वो स्प्लिट हो सकती है, दो वेंडर्स में बट सकती है, मतलब 3 वेंडर में बट सकती है, पर कई बार क्या होता है कि वो क्वांटिटी स्प्लिट नहीं हो पाती है। तो उस केस में क्या होता है, सपोज करो हम वही एग्जांपल लेते हैं कि L1 की जो रेट है L2 L3, L1 जो है हमारा नॉन एमएससी नॉन एमएससी बिडर है, एमएससी बिडर होगा तो फिर तो इश्यू ही खत्म, और यहाँ पर ये एमएससी एमएससी एमएससी, और जो इसकी रेट है 100, इसकी है 105, और इसकी भी जो रेट है 115, तो परचेज प्रेफरेंस के लिए ये भी एलिजिबल है ये भी एलिजिबल है, पर ये क्वांटिटी स्प्लिट नहीं हो सकती। मतलब हमको मतलब ये क्या है, जो ये ऑर्डर है, मान लो कि एक ही क्वांटिटी के लिए ऑर्डर देना है, मान लो आपको एक मशीन खरीद रहे हो, एक मशीन खरीद रहे हो आप, एक मशीन परचेज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि उस मशीन को दो टुकड़ों में बांट दोगे। मान लो कि 1 करोड़ की आप एक मशीन खरीद रहे हो लगभग, ये मतलब हम लोगों ने 100 रुपीज लिया है, 100 करोड़ की एक मशीन है, इसको करोड़ में रेट मान लेते हैं, तो 100 करोड़ की एक मशीन खरीदने, तो आप तो इस केस में क्या होगा कि स्प्लिट तो नहीं कर सकते, पर L2 जो बिडर है उसको MSC का एडवांटेज देना है, इसलिए क्या करेंगे, उसको ऑप्शन दिया जाएगा, और अगर वो मैच कर देता है तो जो एक मशीन है इसका ऑर्डर, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, और इसके इसको बोल देंगे कि 100 करोड़ में तुम एक जो मशीन है
उसका ऑर्डर इसको दे दिया जाएगा। तो नॉन स्प्लिटेबल अगर क्वांटिटी है तो उस केस में क्या होगा कि ऑर्डर को स्प्लिट नहीं कर सकते, जो भी लोएस्ट एमएससी है बिडर उसको हम लोग ऑर्डर दे देते हैं, बशर्ते वो हमारी प्राइस मैच करे, दूसरा L1+15% रेंज में आए। तो अब जो जैसे मान लो ये भी रेडी हो जाएगा तब भी नहीं देंगे, इसी को देंगे, क्योंकि एमएससी एमएससी में तो डिवाइड हम ऑर्डर को नहीं कर सकते। आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जो सिचुएशन है वो मतलब ये हमने इसको ये ऐसे इसको कंसेप्ट समझ लिया है। तो आपको अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें इससे रिलेटेड आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बाद में कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो एमएससी बीडर्स हैं, एमएससी का मतलब जो हमारे माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उन्हीं को मिलेंगे ये बेनिफिट, एमएसएमई को नहीं। कई बार लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि एमएससी और एमएससी में क्या फ़र्क है। तो जो उनको टेंडर में टेंडर कोई भी आप टेंडर अप्लाई कर रहे हो तो उसका टेंडर डॉक्यूमेंट लेने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको एक फीस देनी पड़ती है, तो वो एमएससी बिल्डर को फ्री है। और जो अननेस्ट मनी डिपॉजिट है, अननेस्ट मनी डिपॉजिट है, अननेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है कि जब भी कोई भी बिडर टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, टेंडर में पार्टिसिपेट करता है कोई भी, तो वो उसमें अननेस्ट मनी डिपॉजिट उसको देना पड़ता है। वो जनरली मान लो कि 2% होता है, 100 करोड़ का टेंडर है तो उसको 2 करोड़ रुपीज क्या होगा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ता है? जनरली मतलब 0.5 से 2% जनरली इसकी रेंज रहती है, या 1 करोड़ भी होता है, 1% भी होता है। ये 2 करोड़ रुपीज उसको उसके लिए देना होता है ताकि मान लो कि वो इसलिए लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो ये बिडर पार्टिसिपेट करता है और इसको ऑर्डर भी मिल जाता है, और उससे पहले ये बोल दे ऑर्डर मिलने कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैंने गलती से ऑर्डर भर दिया है, मेरी सिचुएशन चेंज, तो वो 2 करोड़ रुपीज क्या होगी, जो भी एंटिटी है जो भी टेंडर फ्लोट किया है वो 2 करोड़ रुपीज क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। मतलब फॉरफिट का मतलब वो उसको उस चीज को अपने अकाउंट में यूज कर लेगी, ताकि कि उसकी जो इतनी सारी टेंडरिंग कॉस्ट हुई, इतना टाइम चला गया, इतनी मेहनत चली गई, वो सब उसको रिकवर कर सके। तो उसको बोलते हैं अननेस्ट मनी डिपॉजिट। उसके अलावा तो ये अननेस्ट मनी डिपॉजिट भी उनको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बिडर उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे अगर वो 1 करोड़ रुपए देने लगे, या मतलब छोटे टेंडरों में पार्टिसिपेट करें 1 करोड़ तो फॉर एग्जांपल, और कोई भी कम अमाउंट भी है, 50 लाख रुपीज या 1 लाख रुपीज हो, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है छोटे बिडर्स के लिए, तो उनको ये चीज़ भी एग्जम्प्ट है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि जब भी आपको ऑर्डर मिल जाता है ना, उसके बाद भी बिडर को जनरली 10%, मान लो आपको 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो 10 करोड़ रुपीज आपको क्या है वो जो भी प्रोक्योरमेंट एंटिटी उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है ऑर्डर मिलने के बाद, मतलब ऑर्डर मिलने के जस्ट पहले, ताकि वो ऑर्डर और वो ये गारंटी कि आप ऑर्डर एग्जीक्यूट, बीच में आप चले गए मान लो आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया, मान लो आपको ऑर्डर भी मिल गया, आपने शुरू में तो चालू कर दिया धीरे धीरे, पर बाद में आप बीच में चले गए, तो आपको ये जो 10 करोड़ रुपीज है वो प्रोक्योरमेंट एंटिटी क्या करेगी, आपसे वो फॉरफिट कर लेगी, क्योंकि उसके पास ये सर्टेन कुछ तो रिकवर करने के लिए, इसलिए थोड़ी ज्यादा होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये 10% होती है। पर इसका एग्जम्पशन नहीं मिलता है, क्योंकि ये आप समझ, कई लोगों को ये डाउट है कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी एग्जम्पशन मिलता है। नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का एग्जम्पशन नहीं मिलता है, और उसके पीछे ये सिंपल यही रीजन है क्योंकि वो कोई भी प्रोक्योरमेंट एंटिटी ये तो चाहेगी ना कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्सन ने ऑर्डर लिया है तो वो एग्जीक्यूट ही करे उसको। इसके अलावा एक बेनिफिट और है जो एमएससी बिल्डर्स को, कि भाई जो मिनिस्ट्री ने बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं, लगभग 350 आइटम्स ऐसे हैं, 350 आइटम्स जो कि उनका प्रोक्योरमेंट केवल एमएससी बिडर से ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉवल्स हैं जो कि मतलब उनको मतलब जो या कॉटन हैंड हैंड ग्लव्स हैं, पर्टिकुलर ऑयल्स हैं जो सिंपल टॉवल्स ऑयल्स हैं, जो सर्टेन आइटम्स हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, वो चीज़ जो कि कोई भी एमएससी बिडर, तो उनके लिए रूल बन गया है कि भाई ये आइटम आपको या तो एमएससी बिडर से ही लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको जो एमएससी बिडर्स के जो कंसेप्ट है वो हम समझ में आए। हालांकि ये जो हमने समझा है ये बहुत पार्ट है, इसमें बहुत सारे और भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, पर हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट है कि भाई क्यों एमएससी को बेनिफिट देते हैं, कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा, ये समझाया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।